Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Abdullah Shahid. Welcome to ASP Vlogs. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो do like, subscribe, share and also comment and not forget to press the bell icon. आप सबको मेरे और मेरे घर वालों की सबसे बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक. और कल चांद रात थी, मैंने चांद रात का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वैसे मैं सोच रहा था कि बना लूँ पर तबीयत ने मतलब अजीब सी तबीयत हुई थी, इस वजह से मैंने नहीं बनाया. पर ईद का व्लॉग तो बनाना ही बनाना था. और अभी नीचे चलते हैं, मैं छत पे आया था. वैसे मैं आपको बताता चाहूँ कि मैं अभी नहीं उठा, मैं सुबह 4 बजे का उठा हूँ, ठीक है. और 4 बजे का मेरा जो बबलू है वो 4 बजे का बोली जा रहा है. असल में ये तलहा का बैठा आया हुआ था, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. उनका बैड़ा आया था, सारे बाहर बैठे हुए थे तो उनकी बातों की आवाज़ उसको आई जा रही थी और वो समझ रहा था पता नहीं बाहर कोई पार्टी हो रही है. अच्छा, मैं उसको बाहर लेके गया, फिर वही उठा रहा. मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर कुरान पढ़ा. अब फिर मैंने कहा छत पे ज़रा खुली हुआ में जा कर मैं इंट्रो बनाता हूँ, तो नीचे चलता हूँ अभी देखता हूँ सामान उठा कि नहीं उठा, नहाने गया कि नहीं गया. आए चलते हैं. मैं नीचे आया था तो उस्मान सो रहा था, मैंने उसको उठाया. मैंने कहा ये तो उठते उठते बड़ा टाइम लगा देगा, मैं फटाफट जाके शावर ले लूँ. मैंने शावर ले लिया और फ्रेश हो गया और अपने कपड़े भी पहन लिए और अब ये शावर लेने गया. फटाफट ये निकलता है और फिर हम चलते हैं. और मैं आपको बताता जाऊँ कि हमने नमाज़ पढ़ने नानोगढ़ जाना है वहाँ वाली मस्जिद में, और सिर्फ पीछे 15 मिनट रहते हैं जमान में. और उस्मान साहब अब नहाने गए हैं, फटाफट निकलता है हम भी साथ ही निकलते हैं नमाज के लिए. फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि नमाज पढ़ने के लिए निकल गए, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं. जैनमाज मैंने हाथ ही पकड़ लिए कि अगर जगह ना मिली तो बाइट पढ़ लेंगे. तो मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं बाइट जगह मिली वो भी बड़ी बात है. अब मैं आपसे मिलता हूँ ईद की नमाज के बाद. शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो. तो नमाज हमने पढ़ ली यार, ये तो यार ये बच्चा कह रहा था मुझे भी ब्लॉग लेना. इसके लिए तो बेचारे के लिए नीचे होना पड़ता है यार, तो ईद ही नहीं मिली. ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक हो. कमर भी इसे मिल गई. कमर भी बैद किधर गया? बैद वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है. और जल्दी आओ, नहीं ईद मिलनी थी यार. ईद मुझे ही ढूंढ रहे थे. हाँ जी यार, वो तो चले नहीं हुए थे आज, मैं ढूंढ रहा था. चलो ठीक. मैं जो था वो कपड़े घर से चेंज करके इधर आ गया था क्योंकि वो बैद और सैफ के मतलब जो मेरे छोटे मामों और बड़े मामों के कुर्बानी होनी थी वो हमने काट ली है. क्योंकि YouTube मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, इस वजह से मैंने उसको जब वो कुर्बान हो रहा था वो करते हुए नहीं दिखाया. अभी नीचे हम गोश्त बनाने लगे हैं, आपको भी साथ लेके चलते हैं. लेट्स गो. पूरे इंतजाम हो रहे हैं, गोश्त का पूरे इंतजाम हो रहे हैं, गोश्त बनाने के. और हम सारे मिलकर बनाते हैं. हमारा बकरा जो है वो कल ज़िबा होगा, ठीक है, उसका मैं आपको कल ब्लॉग दिखाऊंगा. तो स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहना. आपने मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर ले. अब नीचे जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ. आप सबको मैं बताता जाऊँ कि जो बड़ी ईद होती है उस पर हम सारे मिलकर कसाई बने होते हैं, मतलब कोई पैसे पूछे नहीं लेते. ये उस्मान जरा आए करना इधर देख के. उस्मान कपड़े भी दिखाओ ना, हमने कपड़े भी दिखाओ. ये देखो क्लोजर दिखाता है, ये देखें. और ये मेरे कपड़ों का हाल देखें. और यहाँ पे ये उबैद साहब है, वहाँ पे मेरे मामे में सारी ये भी हैं. ये गोश्त पड़ा हुआ, एक बकरे का वही दूसरे का. क्या दिखाओ, इतनी दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा. अब मैं नीचे आता हूँ ना फिर देखते हैं. अच्छा मैं नीचे जाता हूँ, जब फिर हम गोश्त बना लेते हैं फिर आपको भी करता हूँ. क्या हुआ जी आपको, क्या हुआ है? कुछ नहीं होता इतना तूने जोर नहीं लगाया जितना मेरे भाई. जल्दी करो, जल्दी जल्दी. क्या बदतमीजी कर रहे, मारो मारो. ईंट ला के दूंगी, पास ही कहीं पड़ी होगी ये, आपके पाँव के नीचे. कमेंट भाई यार क्या कह रहे हो? कमेंट भाई यार पहली दफा अगर कोई काम करने लग पड़े हो तो ऐसे ही करने लग पड़े. क्या हो गया बाबू ना बहाने तेरे से तो छुरी नहीं पकड़ी जाती.
यार मैं दूसरी ये देखो ये जो मैं काम कर जो ऊपर खड़ा हो गया जो काम मैं कर रहा हूं वो कर सकते हो। मेरे और कमर भाई के साथ इतना जुल्म हुआ है ना उस घर से नाल मतलब मेरे मामू के घर से मेरे नानो के घर से कहते हैं स्कूल में पानी भर के लो। बताओ कमर भाई यार सुबह के काम सुबह के काम कर रहे और आप हमें कहते हैं कूलर भी भर के लाना भाई इसमें बर्फ भी डालनी है और इसको उस घर से लेके उस घर तक लेके जाना है। चाबियां भी नहीं है घर की। चलो शाबाश वगैरह सारा बन चुका है बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब हम खाना खाने लगे हैं फैमिली के साथ। सो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय टेक केयर अल्लाह।